बारे में मैं अभी बात कर रहा था, तो अभी मैंने जो है यहाँ से राइट पे जाना है, तो ये आप लोग चेक कर सकते हैं।
जनाब जैसे कि आप लोगों ने ये रोड देखा, मैंने इंक्वायर कर दिया है और आपने जो कहा चलान किया, वो इतनी करीब नजर आ रहा है कि बंदा सोच रहा है कि बस 10 मिनट का रास्ता है, लेकिन असल में ये इतनी दूर है कि मेरे 5 घंटे भी साइकिल पर मुसलसल बिना किसी हॉस्टे के चलता रहूँ तो फिर भी नहीं पहुँच पाऊँगा। अकेले दूर जाना और सफ़र करना के लिए ये थोड़ा मुश्किल होता है, और बाकी जो है ना कोई मसला नहीं रहता। आई विश के मेरे पास फोन थे और वो भी ब्लॉगिंग के दोस्त नहीं है, जो भी होता है उसमें हमारे लिए बेहतर होता है। सर की अजान जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर हो चुके हैं और यहाँ पर करीब मैं मस्जिद देखूँगा और इंशाल्लाह मेरे वहाँ जाते हैं फिर नमाज पढ़ेंगे और आगे का जो रास्ता है उसे कंटिन्यू करेंगे। और फाइनली मैं जो है रजी का जो मकबरा है जो कब्रिस्तान है वहाँ पर पहुँच चुका हूँ। ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, अभी जो है मैं यहाँ पर थोड़ा रुक गया क्योंकि यहाँ पर जो साया है वो काफ़ी ख़ूबसूरत साया है, मतलब काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी यहाँ पर, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर वक्फ़ा लेते हैं। मेरे जो सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैं किस जगह पर रुका हूँ। ये जो जगह है ये काफ़ी खूबसूरत है, मतलब यहाँ पर ये रोड आप लोग चेक कर सकते हैं, ऐसा लगता है कि मैं किसी दूसरे शहर में आ गया हूँ, तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि ये वही इलाका है। कर सकते हैं मेरे सर के ऊपर हवाई जहाज़ जा रहे हैं, तो अभी ये टाइम आप लोग चेक कर सकते हैं, 5:10 होने वाले हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि यही ये जो मेरे पीछे मस्जिद है मैं भी आप लोगों को नज़र आ रहा हूँ, तो यहीं पर असर की नमाज अदा करूँ, लेकिन टाइम क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है यहाँ भी मैं भी 5:30 पर जो है नमाज अदा होगी, तो मैं सोच रहा हूँ कि आगे जाऊँ और आगे अगर कोई मस्जिद आया फिर तो टाइम बच जाएगा मेरा, लेकिन ये ठंडी जगह इसको
को छोड़ने का दिल नहीं कर रहा। वैसे मैं सोच रहा था कि इस जगह पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, इस जगह पर और इस जगह पर एक फ्रेम लगाऊँ मोबाइल के लिए, ताकि यहाँ पर जो है वो फिट हो सके आसानी से इस तरह। तो कोई जल्दी नहीं है मुझे, इसलिए मैं यहीं पर रुकना पसंद करूँगा और यहीं पर नमाज़ अदा करूँगा असर की, और फिर इंशाल्लाह आगे जाएंगे।